क्लास है ना, एनसीईआरटी। तो अपन इतिहास शुरू कर रहे हैं। आर्ट सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट विषय है इतिहास या फिर हिस्ट्री। पूरा समझेंगे आज की क्लास में कि मतलब ये होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे अपन। और लिखा था कैसे इतिहास, कब से लिखा रहा है, पढ़ना क्यों है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने के फायदे क्या क्या हैं। और बोर्ड्स में तो अपन केवल इसको बहुत लो लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद अगर यूपीएससी के लिए जाएं या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के किसी भी ब्रांच में जाएं अपन, तो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है अपना हिस्ट्री। तो अपन पूरा समझते हैं शुरू से कि इतिहास क्या है, डेफिनेशन और लिखने का तरीका, कौन कौन से एविडेंसेस लगते हैं लिखने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से अलग है, इसको सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे मैथ्स में क्या करते हैं अपन, लास्ट में एक्स को मानने के बाद शुरू में और उसको कुछ भी अपन वैल्यू ला देते हैं, जैसे 5, तो ऐसे प्रूव हो जाता है एक इक्वेशन। लेकिन इसको कैसे अपन सिद्ध करेंगे, प्रूव करने के लिए अपने पास कोई ऐसा मेथड नहीं होता जैसे कि बाकी सब्जेक्ट में होता है। तो इतिहास क्या है, क्यों पढ़ना है, लिखने का तरीका, मतलब इतिहास लिखने के क्या-क्या सोर्सेस होते हैं वो पढ़ेंगे, और कैलेंडर पढ़ेंगे आज अपन। थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में समझेंगे कि कैलेंडर क्या होता है। इसके बाद एनसीईआरटी में क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक लेवल की है, समझ में आई बात, बहुत बेसिक है ये। और अपन ये जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, ये भी मतलब इतनी हाई लेवल की नहीं है, जैसे कि इसमें अपने को मन के वगैरह पढ़ना है, मूर्तियाँ ये सब पढ़ना है अपने एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो सबसे पहले अपन समझें कि इतिहास है क्या, ठीक है। तो इतिहास जो ये शब्द है, इसी में इस विषय का मतलब है। जैसे इतिहास बराबर इति प्लस हास। जैसे अपन भूगोल को पढ़ते हैं तो भूगोल को भी अपन क्या लिखते हैं, भू प्लस गोल, मतलब भू मतलब जो अपनी पृथ्वी है और गोल मतलब स्फेयर, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। तो उस गोल के आवरण का अध्ययन ही क्या है अपना भूगोल। ऐसे ही इतिहास है, नाम में ही अर्थ समझ में आता है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है, संस्कृत भाषा का शब्द ही है, इति का मतलब होता है बीता हुआ या फिर जो समाप्त हो गया या फिर नई शुरुआत या फिर निकल गया, ये सारे मतलब होते हैं इसके। तो बीता हुआ। और हास का क्या मतलब है, घट चुका है, खत्म हो गया, ये इसका मतलब है। जैसे कि अपन कहते हैं ना कि यार मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 50 रुपये का सामान ले लिया, 50 रुपये का हास हो गया, ऐसा होता है ना। जमीन में से किसी ने 1-2 एकड़ पे कब्जा कर लिया तो 2 एकड़ का हास हो गया, तो उसको बोलते हैं घट चुका है, खत्म हो चुका है, या वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बीता हुआ और घट चुका, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जिसमें बीते हुए समय और घटनाओं का, जो घट चुकी हैं उन घटनाओं का और बीते हुए समय का अध्ययन किया जाता है। अब इतिहास में कितनी सारी घटना है, जैसे प्राचीन काल में अशोक ने एक इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला सबसे महान सम्राट बना, सिकंदर का आक्रमण जिसने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की, भारत में वैदिक काल की स्थापना, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत, कास्ट सिस्टम की शुरुआत,
उसके बाद हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो दुनिया की सबसे विकसित सबसे डेवलप्ड सभ्यता मानी जाती है, उस सभ्यता का जो है उत्खनन हुआ, तो उस समय यूरोप के रिएक्शन देखने लायक थे। पता है हमको इतना नीच समझा जाता था अपने इस देश को कि जो अंग्रेज थे वो मानते थे कि हम ही लोग सबसे महान हैं, और वो ऐसा समझते थे जो फेयर लोग होते हैं, फेयर मतलब गोरे, वो सबसे महान होते हैं। इसलिए अपन देखते हैं आज भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, दिस इज अनफेयर। अनफेयर मतलब ब्लैक लोग, अपन लोग ब्राउन में आते हैं, जैसे ब्राज़ील वाले लोग हैं, अफ्रीका वाले लोग हैं जो एकदम काले होते हैं, इन लोगों को वो ब्लैक बोलते हैं। अमेरिका में चलता है ब्लैक और वाइट में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पे, हमारे यहाँ कास्ट के नाम पे होता है, उनके यहाँ काय में होता है ब्लैक और वाइट में। तो उन लोगों ने फेयर शब्द को इतना एग्जीक्यूट कर लिया अपने लिए कि वो क्या कहने लगे कि दिस इज़ अनफेयर, यानी कुछ गलत हो रहा है तो वो ब्लैक ही लोग कर रहे हैं, और फेयर हो रहा है तो वो गोरे ही लोग कर रहे हैं, इसलिए उसको फेयर और अनफेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इतिहास का मतलब सीधा सा यही है कि बीते हुए समय में जो घटनाएं हुई हैं उनका अध्ययन करना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इतिहासकारों में जाएंगे तो फिर बहुत सारी परिभाषाएं आ जाती हैं। ठीक, इसके अलावा इतिहास की बहुत सारी परिभाषाएं अपन ले सकते हैं। जैसे एक परिभाषा बहुत प्रचलित है, कैसी, कि जो समय में बीत चुका है, जो परिवर्तन हुआ है, तो प्रकृति में जो परिवर्तन हुए हैं, और मानव में जो परिवर्तन हुए हैं, और मानव के शरीर में जो परिवर्तन हुए हैं, उन सब के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। ये एक परिभाषा है इतिहास की। ठीक, तो सीधा सा मतलब है, इससे ज़्यादा डिटेल में अपने को इसके बाद जाना नहीं है। आगे चलें तो क्यों पढ़ना है, अभी तो पढ़ना इसलिए क्योंकि अपने बोर्ड के एग्ज़ाम है। ठीक है, तुम लोग आए भी इसलिए हो कि पढ़ना है तुम्हें। तो एनसीईआरटी ने आपको किताब दी है, और एनसीईआरटी की किताब बहुत बेसिक होती है और बहुत प्रूफ्ड मानी जाती है। जैसे हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं आईएएस आईपीएस बनने के लिए या फिर किसी और एग्ज़ाम की, तो एनसीईआरटी को सबसे फंडामेंटल बुक माना जाता है कि इसको पढ़ लो तो जो बेसिक्स हैं पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब बात करें क्यों पढ़ना है, तो पहला तो भाई हमें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है 2024-25 का, एक तो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि पेपर में नंबर अच्छे आए, रिजल्ट अच्छा बने, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण इतिहास को पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, और वो ये है कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। और साहित्यिक भाषा में बोलें तो अच्छी जानकारी या समझ, जैसे एक लड़ाई बहुत चलती है कि भारत में आर्य बाहर से आए हैं। आर्य मतलब हमारे देश में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कम्युनिटी, जो राजपूत हैं, यानी कि जो उच्च वर्ग कहे जाते हैं, तो उन लोगों के बारे में ऐसा मानना है कि ये लोग बाहर से आए हैं, ये भारत के मूल निवासी नहीं हैं, ये भारत के मूल निवासी नहीं हैं, ऐसा मानते हैं कि ये बाहर से आए हैं। जैसे कास्ट सिस्टम, इस पर भी बहुत डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि कास्ट इन लोगों ने बनाई है, कुछ लोग कहते हैं कि फ्यूडल सिस्टम के आने से कास्ट सिस्टम बना है। ये सब क्या होता है सब पढ़ेंगे अपन बाद में। अब आपसे कोई कह दे कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था तो चाइना वाले बना के गए हैं, अब आपको नहीं है जानकारी तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है, और फिर आप आगे इस चीज़ को और दूसरे लोगों से कहोगे कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम इन लोगों ने या फ्यूडल सिस्टम से नहीं बना है, वो तो चाइना वाले बना के गए हैं या यूरोप वाले बना के गए हैं। तो ऐसे में क्या अपन को लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, तो अगर इसकी जानकारी है तो बेवकूफ़ नहीं बनोगे आप, अच्छी समझ अच्छी जानकारी। तीसरी चीज़, नौकरी की बात करें तो नौकरी में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं
बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं, जैसे कि प्रोफेसर बन सकते हैं आप, किसी पुरातात्विक विभाग में आप कोई अधिकारी बन सकते हैं, बहुत सारे फील्ड हैं। दूसरी बात, आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं, अगर आपको इतिहास की समझ है तो आप ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है। चौथी बात क्या है, लिखने का तरीका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इस पर बहुत लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं कि यार इतिहास हम कैसे मान लें कि सही लिखा है, हमने देख के थोड़ी आए पहले क्या हुआ। अब आज से 100 साल पहले किसी ने किताब लिखी है, 1000 साल पहले, अब उसने किस माइंडसेट से लिखी है, क्यों लिखी है, वो लिख रहा है तो वो कितना उसके पीछे मोरल है, अपने को कैसे पता। तो भाई लिखने के तरीके की बात होती है कि लिखा कैसे जाता है, इसकी बात कर लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इतिहास कैसे लिखा जाता है, और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको सेपरेट तरीके से पढ़ाऊं। कैसे, देखो अब इतिहास लिखना है, पहले सीसीटीवी कैमरे तो थे नहीं कि भाई सीसीटीवी कैमरे हैं, निकाल के लाए, वीडियो देखा और अपन ने लिख दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। अब है तो नहीं अपने पास सीसीटीवी कैमरे, और अब जिन लोगों ने इतिहास लिख के चले गए उन पे विश्वास कैसे करें, भाई हम कैसे मान लें कि उसने सही लिखा है। हो सकता है कि भारत के महान राजाओं में अपने अशोक नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, और कोई है, लेकिन लोगों ने लिख के चले गए कि चंद्रगुप्त मौर्य, तो कैसे विश्वास करें इस चीज़ पर। तो इतिहास जब लिखा जाता है तो दो प्रकार के सोर्सेस पे रिसर्च होती है। इसमें एक सोर्स है साहित्यिक, हम इसे इतिहास लिखने के स्रोत भी बोल सकते हैं, इतिहास के स्रोत या सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर राइट। साहित्यिक स्रोत मतलब लिटरेचर, सोर्सेस। देखो ये क्या होता है, प्राचीन समय में बहुत सारी किताबें लिखी गई, जैसे इंडिका है, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, जैसे भगवत गीता है, उसके बाद जाएं तो हम रामायण है, महाभारत है, ऐसी कई सारे ग्रंथ लिखे गए, कई सारी किताबें लिखी गई, तो उनको आधार बना के अपन लिख सकते हैं। अब लेकिन बहुत सारी किताबें ऐसी जो माइथोलॉजी है, जैसे पुराणों की बात करें तो हमारे पास लगभग 18 महापुराण हैं, हमारे पास रामायण है, लेकिन इनमें जो बातें लिखी गई हैं उनको सही मानना मतलब बेवकूफ़ी है। अब जैसे दुनिया किसने बनाई, भगवान ने बनाई, अब किताब में लिख रहा है, किताब में लिख दिया लेकिन उसको सिद्ध कैसे करें, भाई अब सिद्ध भी तो करके बताओ। तो साहित्यिक स्रोतों को आधार बनाया जाता है इतिहास लिखने के लिए, लेकिन एक सीमा तक। अब बहुत सारी किताब, जैसे वेदों की बात करें तो वेदों में बहुत सारे ऐसे कर्मकांड की बात है, जैसे अथर्व वेद में जाएं हम तो उसमें ताबीज बनाने के इतने सारे वो दिए हैं तरीके, क्या आप ऐसा ताबीज बनाओगे तो आपकी इससे सुरक्षा हो जाएगी, आप वैसा ताबीज बनाओगे तो भूतों से बच जाओगे, ऐसा ताबीज बनाओगे तो उस बीमारी से बच जाओगे, तो आप इस पर कैसे भरोसा करें। अब महाभारत लिखी गई तो ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, अब ब्रह्मास्त्र होता था या नहीं होता था इस पर कैसे विश्वास करें। तो साहित्यिक स्रोतों का सहारा लिया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। साहित्यिक स्रोत कैसे हो सकते हैं अपने, प्राचीन जैसे कि किताबें, किताबें होती है साहित्यिक स्रोत मतलब किताबें, साहित्य जो लिखा गया है पहले, जैसे रामायण है, महाभारत है, वेद है, गीता है, उपनिषद है, फिर इसके बाद अपन आएंगे तो बौद्ध ग्रंथ हैं,
जैन ग्रंथ हैं अपने पास, जैन धर्म के ग्रंथ, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, इन सारे ग्रंथों के हिसाब से अपन कुछ कुछ जानकारी ले लेते हैं और उससे इतिहास की किताब में लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन पे विश्वास कम, क्यों? क्योंकि इसमें माइथोलॉजी भरी पड़ी है, विश्वास कम करते हैं। दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, सोर्सेस। देखो, कहते हैं कि पत्थर पे लिखी जो लकीर है वो कभी मिटती नहीं है। अब पत्थरों पे पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, अपने जो राज आदेश थे या फिर अपने जो अधिकारी थे उनके लिए कोई आदेश जारी करना है तो क्या करते थे, वो पत्थरों पे लिखते थे। और पत्थरों पर लिखवा कर या फिर पांडुलिपि, जैसे कि बांस की जो छाल होती है इसका सहारा लेना, ताम्रपत्र इनका सहारा लेना, और भोजपत्र। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना सारी चीज़ें। ये क्या है, देखो पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे हैं अपन। जैसे कई सारी मूर्तियाँ अभी अपन पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, कई सारे सिक्के देखने को मिलेंगे, कई सारी ऐसी मुद्राएं देखने को मिलेंगी, कई सारे ऐसे हमें जैसे बैलगाड़ी देखने को मिल जाए या फिर हल देखने को मिल जाए, तो इनको क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जैसे मैंने बोला कि ताम्रपत्र, तो क्या होता था पहले, कागज़ तो था नहीं, पेन तो था नहीं लिखने के लिए, तो ऐसा तांबे का एक पत्र टाइप का बना देते थे, मतलब पेज टाइप का, बिल्कुल पतला सा, और उसके ऊपर लिखा करते थे। कैसे अपना क्या कहते हैं उसको, पत्थरों से या नुकीले धारदार हथियारों से, और उसको गड़ा गड़ा कर लिखते थे तो वो कभी मिटता नहीं था। अब जैसे यहाँ है, ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड पर मैं कुछ नुकीला लेके और इसको अच्छा ऐसा करके लिख दूँ तो ये कभी मिटेगा नहीं, इस तरीके से लिख देते थे। तो तांबे के पत्र पर लिखते थे तो ताम्रपत्र, और कुछ पेड़ वेड़ की छाल पर लिख देते थे, कुछ पत्थरों पर भी लिख देते थे, तो इनको क्या बोलते थे, पुरातात्विक स्रोत। अब क्या होता है कि अपने को जैसे रामायण में कुछ चीज़ें मिल गई और वही चीज़ें पत्थरों पे भी मिल गई, तो अपन इसको मान लेते हैं कि ये एकदम 100% प्योर है, इसको सही मान के अपन ऐसे इतिहास लिखना शुरू कर देते हैं। भाई रामायण में हमको मिला कि राम जी ने सेतु बनवाया था, उसके हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल गए कि राम सेतु है, तो हमने उसको क्या मान लिया, सही मान लिया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का और कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि वो राम सेतु नहीं है, वो एक प्रकार का जीव है, मतलब जो वो पत्थर है ना वो पत्थर नहीं है, वो एक प्रकार के जीव है जो पानी पर तैरते रहते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें तो कई सारी मूर्ति, जैसे बुद्ध की लाखों में मूर्तियां बनाई गई, मंदिर, बिहार और गुफाएं देखें तो हम कितनी सारी गुफाएं हैं। जैसे हम यहाँ मध्य प्रदेश की बुधनी में रहते हैं, यहाँ से अपन कुछ दूर पर जाएंगे तो भीमबेटका है, दुनिया का सबसे बड़ा गुफा समूह है वो, लगभग 500 से ज़्यादा गुफाएं हैं। और यहाँ से थोड़ा सा और दूर जाएं तो अपने आदमगढ़ में भी हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड की क्या मिली है, गुफाएं। ठीक है, तो इतिहास ऐसे लिखा जाता है। हमें साहित्यिक स्रोत मिल गए, हमने देख लिया कि किताब में कोई बात लिखी है, ये बात पत्थरों पर मिल गई, पांडुलिपि में मिल गई, पांडुलिपि मतलब जो बहुत पुराने समय में लिखे गए ग्रंथ होते हैं, जैसे कि ताम्रपत्र पर लिखे गए हैं या किसी पेड़ के छाल पर लिखे गए हैं, तो उसको बोलते हैं पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ये ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं पेपरों में कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट। अब आप लिख के तो दे दिया, पढ़ा है तो पता है, तो क्या है ये, बहुत जो पुराने समय में ओल्ड टाइम पर कुछ
पत्रों पर, जैसे पेड़ की छाल हुई या फिर ताम्र पत्र हुए, इन पर उत्कीर्ण करवा देते राजा, राज आदेश हुए इन सबको उत्कीर्ण करवा देते, तो उसको बोलते थे अपन मेन्यूस्क्रिप्ट, है ना। तो इतिहास ऐसे लिखा जाता है। आगे चलें तो कैलेंडर की बात करते हैं अपन। हाँ, अब इतिहास में अपन ने ये सब समझ लिया कि भाई लिखाया कैसे जाता है, डेफिनेशन क्या है, क्यों पढ़ना है। अब ये समझते हैं कि जो डेट है वो कैसे तय की जाती है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो कौन से सन में हुआ, जैसे पानीपत का युद्ध हुआ तो कौन से सन में हुआ, कितने साल पहले हुआ, वेद लिखे गए तो कितने साल पहले लिखे गए। कुछ लोग कहते हैं कि 10 करोड़ साल पहले लिखे गए थे, कुछ कहते हैं कि ये तो भगवान ने लिखे हैं, कुरान भगवान ने नहीं अल्लाह ने लिखी है और वो अल्लाह की आखिरी किताब है, एक दिन सारा जहां मुसलमानों में बदल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें। तो समझते हैं कैलेंडर। कि भाई डेट का कैसे फिक्स करें कि डेट क्या है। देखो, जैसे कई सारे राजा हुए, दार्शनिक हुए, ऋषि मुनि हुए, चिकित्सक हुए, मुख्य रूप से दार्शनिक मतलब फिलोसफर्स। अब ये लोग हुए तो ये लोग क्या करते थे, इतिहास लिखते थे, राजाओं के दरबार में रहकर इतिहास लिखते थे, कुछ लोग अलग जाकर इतिहास लिखते थे। अब इतिहास लिख रहे हैं तो ये लोग डेट नहीं डालते थे। कई बार राजा क्या करता था कि टाइम को नापने के लिए, अब ये पहले अपने पास जो घड़ी है वैसी घड़ी तो हुआ नहीं करती थी, उस टाइम पर बहुत अलग सोर्सेस थे उनके पास, हमारे पास आज बहुत डेवलप्ड रिसोर्सेस हैं। अब भाई डेट को नापना है, टाइम को नापना है तो कैसे नापें। तो राजा, दार्शनिक, ऋषि मुनि, चिकित्सक या ज्योतिष विद्या जानने वाले ये अपने हिसाब से डेट और टाइम को फिक्स कर लेते थे। जैसे यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में उनके यहाँ उनका कैलेंडर चलता था। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में इंडिया के हिसाब से कई राजाओं ने कैलेंडर चलाए। जैसे जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसको 0 मान लिया गया कि दुनिया उस दिन से बनी है, उस दिन से टाइम को गिनना शुरू कर दिया। किन लोगों ने, यूनानियों ने, जो अंग्रेज हैं सीधा सीधा उनका ही नाम ले लेते हैं उन लोगों ने। तो जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको उनने 0 मान लिया। अभी कौन सा है ईयर चल रहा है अपना, 2024, यानी कि ईसा मसीह को जन्म लिए कितना टाइम हो गया, 2024, 2024 साल हो चुके हैं ईसा मसीह के जन्म से अभी तक, ठीक है। तो ये 0 मान के एक स्टार्ट कर दिया कैलेंडर, किनने, यूनानियों ने, अंग्रेजों ने। इसको बोलते हैं ग्रेगेरियन कैलेंडर। इसके बाद आए इंडियन कैलेंडर पे, तो 57 में विक्रमादित्य ने, सन 57, कहीं कहीं 58 भी मिल जाता है, सन 57-58 में राजा विक्रमादित्य ने ईसा मसीह से 57 साल पहले, ईसा मसीह से कितने साल पहले, 57 ईयर्स पहले एक कैलेंडर चलाया जिसे अपन विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। कौन सा संवत है ये, विक्रम संवत।
चलाया किसने था? ये राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, जिन्होंने अंतिम रूप से भारत से शकों को, शक आक्रमणकारी थे, उनको हराकर भारत से बाहर कर दिया था। उस राजा ने उस खुशी में क्या चलाया था? विक्रम संवत। अब ये पेपर में पूछ सकते हैं कि विक्रम संवत किसने चलाया, क्यों चलाया, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किन लोगों को हराने के बाद राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी, ये विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो किन को हराया था? शकों को। शक ये आक्रमणकारी थे, ये फॉरेनर्स थे, भारत में इन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद बहुत साल तक ये भारत में रहे, लेकिन जब राजा विक्रमादित्य भारत के राजा बने तो इनने इनको हराया और भारत से बाहर कर दिया। ठीक, तो शकों को हराने के उपलक्ष्य में सन 57 में राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी। और कभी कभी अपन कथा करवाते हैं घर में, करवाते हैं, तो राजा विक्रमादित्य के इस कैलेंडर की बात आती है। पंडित जी बोलते हैं विक्रम संवत 2080-81। जैसे अपने को विक्रम संवत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2024। इसमें आप 57 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये 7 4 11, 1 2, 5 और 2 7 और 1 8, 2081। विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2081। कैलेंडर में जाके देख लेना, मिल जाएगा। इसके बाद राजा कनिष्क ने शक संवत चलाया सन 78 में। ये ईस्वी में है, ये 0 है, ये BC है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। इसको AD भी बोलते हैं आजकल, शायद नाम चेंज कर दिया है, CE AD ऐसा कुछ भी बोलने लगे हैं, चेक कर लेना एक बार। ठीक, तो ईसा मसीह के पहले BC, ईसा मसीह के बाद AD, आफ्टर डेथ, बिफोर क्राइस्ट। यानी कि अपन ईसा मसीह से पहले की घटनाओं को पढ़ेंगे तो डेट क्या लिखेंगे अपन? जैसे मान लो कि 100 100 सन चल रहा है अपना, तो अपन लिखेंगे 100 BC। मान लो इधर पढ़ रहे हैं तो अपन लिखेंगे 100 AD। कंफ्यूज मत होना, AD और BC समझ में आ गया? अपन जब ईसा मसीह से पहले की घटनाओं को पढ़ेंगे, जैसे वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे अपन 1500 से 1600 BC तक का, क्योंकि ये काल, ये पीरियड ईसा मसीह से पहले का है, इसलिए अपन लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट। ये वाला पीरियड ईसा मसीह के बाद से शुरू हुआ, ये वाला कैलेंडर, इसलिए इसको बोलते हैं AD, आफ्टर डेथ। ठीक, ये शक संवत। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, विक्रम संवत विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रम संवत विक्रमादित्य। सन कौन सा है? 57। क्यों चलाया? शकों को हराने के बाद। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि ये शक कहाँ आ गया? यहां ये शक संबत अलग है और ये वाला अलग है, ठीक। हाँ, ये राजा कनिष्क ने चलवाया, ये राजा भारत का राजा नहीं था, ये बाहर से आया था, इसने भारत में आके भारत को जीता, बौद्ध धर्म को अपनाया। ये पहले शिव संप्रदाय का था, भगवान शिव का उपासक था, बाद में इसने बुद्ध धर्म को अपना लिया। बुद्ध धर्म को अपनाने के बाद इसने भारत में कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद 78 AD में इसने कौन सा संवत चलाया? शक संवत। ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ये भारत का कौन सा पंचांग है? राष्ट्रीय, नेशनल, नेशनल कैलेंडर यही है। अब अपने को ये वाला निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसको 2024 में से माइनस कर दो, इसको प्लस करा था, क्यों? क्योंकि ये 0 से पहले था, 0 से पहले से था, और 2024 यहां से शुरू हुआ है, तो हम इसमें 57 जोड़ देंगे तो हमारे पास ये वाला भाग भी आ जाएगा। अब अपने पास 2024 का ये वाला पूरा तो है ही,
टाइम पीरियड, लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा आ गया तो इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास सकसंबत आ जाएगा। जैसे 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे, 11 में से 7 गए तो 4 बचेंगे, 2 0 2046 चल रहा है इसके हिसाब से। गलत कर दिया, गलत घटाया है, 2046 के चलेगा। 14 में से 8 गए तो 6 बचे, और यहाँ कितना बचेगा, 11, 11 में से 7 गए तो 4, सॉरी 1946 चल रहा है इसके हिसाब से। ठीक, हाँ ये वाला मानते हैं। लेकिन जब अपन कोई धार्मिक काम करवाते हैं, कभी कथा करवाते हैं ना, पंडित जी को ध्यान से सुनना। पंडित जी बोलते हैं, हाँ, भारतवर्षे जम्मू दीपे आर्यावर्ते भरत खंडे, ऐसा बोलने के बाद विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, और नगर मध्य प्रदेश है, बुधनी नगरे, ये सब बोलता है पंडित। सुनना उसको कभी ध्यान से, तब उस उनसे पूछ भी लेना कि पंडित जी ये क्या होता है शक संवत और विक्रम संवत। ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इतनी बार पूछते हैं पेपर में क्योंकि ये कन्फ्यूज़ भी करता है। विक्रम संवत 57 क्यों चलाया, शकों को हराने के बाद किसने चलाया, विक्रमादित्य ने। राजा कनिष्क ने चलाया शक संवत 78 में चलाया, क्यों चलाया, क्योंकि भारत पर कब्जा किया था, इसने बुद्ध धर्म को अपनाया भी था। पहले ये भगवान शिव का उपासक था, सिक्कों पर मिलता है, बाद में ये बुद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक, ये है कैलेंडर। एक कैलेंडर और है, गुप्त संवत, जो विक्रमादित्य थे, इनके दादा या परदादा होंगे वो, उनने चलाया था, श्री गुप्त ने, श्री गुप्त ने नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था ये, चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। ये इनके ही खानदान के व्यक्ति हैं, किन के, विक्रमादित्य के, और ये इनने चलाया था 319 BC में, ये ध्यान रखना। लेकिन ये बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना। काम का क्या है, 1, 2 और 3, इसके बाद एक संवत आता है इस्लामिक कैलेंडर का, कौन सा, हिजरी संवत। हिजरी संवत आता है अपना 622 में, जब पैगंबर मोहम्मद साहब ये मक्का से मदीना गए थे, उस टाइम की बात है। ठीक है, तो जो संवत चलाया था उस समय, उसको बोलते हैं हिजरी संवत, और ये जुलाई के महीने में अभी शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये था अपना कैलेंडर, ये पूरा, ये केवल बेसिक है, इतना जानने के बाद ही इतिहास को पढ़ना चाहिए। इतिहास क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखा जाता है, कैलेंडर। और इसके बाद एक कैलेंडर और आता है, जैसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या टाइमिंग है, उसके बाद हम आएंगे तो वैदिक एज में, या फिर बहुत सारे टाइम पीरियड आएंगे, उनका टाइम पीरियड क्या है, उसके हिसाब से भी एक पूरा कैलेंडर बनता है। ये वाला याद रखना, ये इंडिया के लिए पूरा काम में आएगा। ठीक, आई इतनी बात समझ में, आगे बढ़े। अब आगे ये है कि भैया हमने ये सारा समझ लिया कि इतिहास पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, लिखने के तरीके क्या हैं, कैलेंडर भी पढ़ लिया, क्यों पढ़ना है ये भी समझ लिया। अब समझने वाली बात ये है कि इतिहास को शुरू कहाँ से करें। हिस्ट्री सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ो तो शुरुआत करें तो करें कहाँ से। भाई हम साइंस पढ़ने बैठे तो साइंस को पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करें। जैसे हम 6 या 7 क्लास में आते हैं, तब से शुरू होता है ना साइंस आजकल, हाँ है ना, तो वहाँ से शुरुआत करें या फिर और पहले से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी एक
कंडीशन सामने आएगी कि यार इसको पढ़ें कहाँ से, किसकी बुक से स्टार्ट करें। ऐसे ही हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी वही बात सामने आएगी कि इसको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इन सबको वहां से स्टार्ट करना है जहां से ये दुनिया बनी है। भाई ये दुनिया नहीं बनती तो ये सब्जेक्ट हमको पढ़ने नहीं पड़ते, और दुनिया बनी है तब से तो ये सब्जेक्ट हम पढ़ नहीं रहे। दुनिया बनी है 15 अरब साल पहले, इंसान बना है 480 करोड़ साल पहले, अपनी पृथ्वी बनी है 480 करोड़ साल पहले, 380 करोड़ साल पहले हमारा ये क्या बोलते हैं इंसान वाला जो कीटाणु है वो बना, बैक्टीरिया समुद्र में बना कहाँ बना वो नहीं पता, लेकिन 380 करोड़ साल पहले तक का इंसान आदमी माना जाता है। आदमी आज का पीस नहीं है, कितने साल पुराना है, 380 करोड़ साल पहले इंसान आज नहीं बना। 15 अरब साल पहले बनी है दुनिया, 480 करोड़ साल पहले ये हमारी पृथ्वी बनी है, और आज से 380 करोड़ साल पहले यानी पृथ्वी बनने के 100 करोड़ साल बाद क्या बने हैं, एक जीव की उत्पत्ति हुई, साइनोबैक्टीरिया या फिर माइक्रोकाइन क्या बोलते हैं, बहुत माइक्रोबैक्टीरिया, बहुत निम्न बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल पे जाए नैनो पार्टिकल के उस पे जाए तो एक छोटा सा जीव बना था, उसका डेवलपमेंट होते गया और आगे चल के एक इंसान बन गया। हम लोग ऐसे ही बने हैं, भगवान अकवान ने कुछ नहीं बनाया। ठीक, तो 15 अरब साल पहले दुनिया बनी, क्या वहां से पढ़ना शुरू कर दें इतिहास को, या फिर 480 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी वहां से पढ़ना शुरू कर दें, या फिर 380 करोड़ साल पहले मानव आया वहां से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये कैसे बना, आज से 15 अरब साल पहले ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा ब्रह्मांड बन गया जिसको हम देख रहे हैं आज, ये हमारे बीच में जो स्पेस है ये कहां से आया, क्या इसको बनाने वाला कोई भगवान है। एक थ्योरी तो ये है जिस पर सारे धर्म टिके हैं, सारे आस्था के जो ग्रंथ हैं वो टिके हुए हैं। उसके बाद दर्शन कहता है कि भगवान ने बनाया होगा, और कुछ दार्शनिक कहते हैं कि नहीं भी बनाया होगा, क्योंकि दोनों के एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। साइंस अपनी थ्योरी देती है और इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता, बिग बैंग। इससे पहले बहुत सारी थ्योरी आई, जैसे इमैनुअल कांट की थ्योरी आई, लाप्लास की थ्योरी आई, ठीक, और 1928 में एक थ्योरी आई, हब्बल का नाम सुना है, एडविन हब्बल, उन्होंने एक थ्योरी दी, और उसके बाद जॉर्ज लेमेंटेयर ने एक थ्योरी दी, बिग बैंग की थ्योरी, कि एक छोटा सा पार्टिकल था। अब ये छोटा सा पार्टिकल ऐसा नहीं है कि यहाँ कहीं रखा था, पूरी ये दुनिया उस पार्टिकल में थी, और उसके आगे पीछे कोई। अब जैसे ये बाटल का ढक्कन है, मान लो इसके अंदर पूरी दुनिया है, तो ये कहाँ रखा है फिर, ये सवाल आएगा मन में। भाई आपने कहा कि दुनिया एक छोटे से गोलक में, छोटे से एटम में, या एक छोटे से केंद्र में स्थापित थी, तो इसके आजू बाजू भी तो कोई जगह होगी ना, ये रखा कहाँ था, सोचने वाली बात है ना ये। तो बिग बैंग के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन इसका जवाब है कि दुनिया ऐसे बनी होगी, और अगर ऐसे नहीं बनी तो फिर आप सिद्ध करके बताओ कैसे बनी है। इसको फेल नहीं कर सका है अभी तक कोई, इसको ही मान के चल रहे हैं अपन कैसे बनी। तो 15 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, और जॉर्ज लेमेंटेयर ने कहा कि बिग बैंग से ये पूरी दुनिया कायम में आई, अस्तित्व में आई, इस पूरी दुनिया का एग्जिस्टेंस
डेवलप्ड होना फिर शुरू हो गया, उसके बाद से ये सब बनना शुरू हो गया। अब यहीं से हमारा इतिहास भी शुरू होगा, भले हम बाद में आए, हमने पढ़ना लिखना बाद में शुरू किया है, लेकिन जाएंगे तो हम यहीं से, शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। 480 करोड़ साल पहले ग्रह बनने की शुरुआत हुई, पृथ्वी बनी। पृथ्वी बनी, टाइम बना, पृथ्वी ने घूमना शुरू किया, हमने टाइम को स्टार्ट कर दिया, समय। वरना समय की क्या गणना करें? अब पूछें कि समय की डेफिनेशन क्या है, तो क्या डेफिनेशन दें हम? घड़ी चल रही है इसलिए समय बदल रहा है, घड़ियों को बंद कर दो वो तो फिर भी बदलेगा। यानी कि जो बदल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? यहाँ से करनी है। लेकिन इसका पार्ट कहाँ चला जाएगा? ज्योग्राफी में चला जाएगा, दुनिया कैसे बनी, थ्योरीज क्या क्या हैं। हमें तो क्या पढ़ना है यहाँ पर? घटनाएं पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। तो 380 करोड़ साल पहले इंसान बना। इसके बाद हम आए तो देखें, धीरे 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 डेवलप्ड हुआ, डेवलप्ड होते 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 रामापिथेकस, ये भारत का पहला मनुष्य माना जाता है, भारत का पहला मनुष्य जो भारत में पहली बार बना होगा, रामापिथेकस। मूवी देखी है रामा द सेवियर? नहीं देखी? देखना उसको एक बार। और ये औरत थी, ये आदमी नहीं थी, ये क्या थी? औरत। दुनिया की बात करें तो अफ्रीका में होमोनिड प्राणी देखने को मिलता है, ये दुनिया का पहला आदमी माना जाता है कि ये जब आदमी बना होगा ये दुनिया की पहली स्पीसीज हुई होगी इंसान की, दुनिया की पहली स्पीसीज हुई होगी ये माना जाता है, होमोनिड प्राणी ये अफ्रीका में मिलता है। हाँ, अभी जैसे हम डायरेक्ट कह देते हैं बंदर कि हम किस, हमारे पूर्वज कौन है? बंदर। ये बंदरों के भी पूर्वज हैं, ठीक है। इनको चलना आता है, चार पैरों पे चलते हैं, दौड़ते हैं, खाने के लिए मांस भी खाते हैं, और जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो भी खाते हैं, फल खाते हैं, सब खाते हैं। अभी इनको कुछ दिमाग नहीं है, इनके अंदर इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। कल से इसको पढ़ेंगे एक बार एक क्लास में कि इंसान कैसे डेवलप्ड होता हुआ आगे बढ़ा, इंटेलिजेंस कैसे डेवलप्ड हुआ उसको पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस इनके अंदर कैसे आया, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद किताब को शुरू करेंगे, ठीक। एक घंटा तो हो गया होगा, फोर्टी थ्री मिनट।